ये कौशल बाबा निकाल लिया गाड़ी। ये और ट्रैकिंग, और ये गाइस पूरा सफर अपने लेह लद्दाख मनाली के लिए ट्रायल है, और इसके बाद अपन जाएंगे इस बाइक में साइन में सीधे के सीधे निकलेंगे अपन मनाली के लिए। ये बिस्किट लाए हैं बच्चे के लिए, बच्चे को देंगे। ले बेटा ले। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। और दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत 360 व्यू देता हूं आपको। इस ओर है पहाड़ और ये है एक बहुत सुंदर जलाशय, बड़ा जलाशय, और इस ओर भी पहाड़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा हट, झोपड़ी नुमा बना करके कुछ लोग रह रहे हैं, ट्राइबल हैं। और आज के इस एपिसोड में कंप्लीट आपको यहाँ तक पहुँचने का हम लोग जंगलों के रास्ते से होते हुए आए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं गरियाबंद का हमारा फिर से सीरीज चालू हो चुका है, और गरियाबंद की इस सीरीज़ में हम लोग गरियाबंद के जंगलों में घूम रहे हैं। तो गरियाबंद से तकरीबन ये होगा 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकासेर जलाशय के आसपास है। ये आमामोरा का आपने वीडियो देखा, और उससे पहले मतलब आमामोरा में आपने देखा था बनियाधास ओड में देखा था, और आमामोरा में आपने देखा था कारी पगार नामक एक वाटरफॉल। और आज के इस एपिसोड में आपको टोटल हम लोग राइडिंग दिखाने वाले हैं जंगलों का। ऑफ रोडिंग आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि जब पहाड़ों का ऑफ रोडिंग डिफरेंट होता है, वो ऑफ रोडिंग नहीं होता, वो एकदम पहाड़ का रोडिंग होता है। तो वो ये सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। ये पहला एपिसोड है, उसके बाद दूसरा एपिसोड आएगा जिसमें आप देखेंगे वाटरफॉल। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। तो ये है रावण जी, जो इस गांव में बहुत ही अलग तरीके से दशहरा मनाया जाता है, जिसका एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। और हमारा यहाँ तैयारी हो रहा है, सफ़र का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं धवलपुर जंगल, धवलपुर से। और यहाँ पे हम लोग तीन गाड़ी में हैं, लगभग 8 आदमी, लगभग क्या एग्जैक्टली 8 आदमी हैं, और सामान हमारा बहुत ज़्यादा है। तो तीन तीन सवारी करके जा रहे हैं, 3 सवारी मेरे गाड़ी में और 3 सवारी यहाँ नागमढ़ी NDK और एक और रहेंगे, और इधर हमारे मामा जी। मामा जी सबको नमस्कार बोल दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कल दे वही। ये गाड़ी में हम लोग बांध रहे हैं, गाड़ी आपकी है ना? हाँ मेरा है। हाँ, ये मामा जी गाड़ी लेके जा रहे हैं, और इधर काका और हमारे भाई जयपाल। ए ओम ऐसे कर, हेलो नमस्कार। तो इसमें हम लोग सारे सामान को लोड कर रहे हैं, इसमें 2 सवारी रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज के इस सुहाने सफर का शुरुआत धवलपुर जंगल, धवलपुर से। तो दोस्तों इस सफ़र का हमारा सबसे कठिन टास्क चालू हो चुका है। ये सामने जो आप रिवर देख रहे हैं, इस रिवर को हमें क्रॉस करना है। एक बाइक क्रॉस हो चुका है और मैं नागमढ़ी अभी भी बचे हुए हैं, और बता रहे हैं कि घुटना से ऊपर तक पानी है, लेकिन नज़दीक जाने से पता चलेगा, और रेतीला है, देखते हैं। और पार तो करना ही है, DK बाबा अपना तैयारी कर लिए हैं, वो तो पैदल जाएगा ना। नागमढ़ी का जूता कब्जा कर लिया गया है यहाँ पे। चलो माँ का सब मैं कर पाऊंगा यार, दोस्तों क्या लगता है मैं कर पाऊंगा ना? अमितान बुलाना पड़ी है मल्ला। अरे माँ का सब मैं तो यहीं को नहीं कर पाऊंगा लग रहा है, देख सकते हो सामने कितना कीचड़ है। बाप रे बाप, दोस्तों जंगलों में जो सर्वाइवल है ना, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ यार मोहनी सकमा है के जन, ये बहुत विशाल बहुत बड़ा रिवर है, कुछ लोग तो बाइक वहाँ ही पार्क कर दिए हैं। कौन सा नदी है यार ये? पैरी नदी है। अच्छा दोस्तों पैरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। रुको अब उतरना पड़ेगा, सब उतर रहे हैं, अपन भी उतर जाते हैं। मैं जब भी गरियाबंद आया हूँ ऐसे ही नदी मेरे को क्रॉस करना पड़ा है। कैसे मितान पार हो जाए?
अच्छा वो पकड़ना पड़ी वहाँ पकड़ अच्छा ये आ रहा है मेरे को चली माँ कसम बाबा एकदम फटे का मजेदार देख सकते हो दोस्तों मेरा गाड़ी अभी जस्ट नया लिया हूँ अरे लेकिन आसानी से पार हो गया अच्छा बाबा पीछे से धक्का दे रहे हैं ये फाइनली निकल गया गाड़ी बात कैसा अनुभव था कौशल बाबा मजेदार शानदार सबसे बड़ा रिवर क्रॉसिंग था आज तक का है ना यही था अब लद्दाख अदा के लिए तैयार हो गए हैं अपन अब लद्दाख कर सकते हैं हाँ तो दोस्तों फाइनली ये टास्क हमारा कंप्लीट हुआ मजेदार है और इसने कैठा है छोटे छोटे नाला है नदी एक ही अच्छा अच्छा मैं नहीं छरे हरे एला पार करें तो पूरा पार हो इस ऐसे खचा खचा स्लोपिंग वाला मतलब ऐसे पानी में जाके घड़घड़ घड़घड़ करी फिर आगे कहीं थोड़ी पानी घुसे बरसाती जूता अपन को लेना पड़ेगा चलो भाई साहब हमारा इस सफ़र का पहला गांव जो कि जिसका नाम जंडी है उसको हमने क्रॉस कर लिया है और हम लोग जंगलों के बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पगडंडियों के बीच में होते हुए दोनों साइड पेड़ है और इसमें से हम गुजर रहे हैं कुछ लोकल ग्रामीण इधर से आवागमन अपना करते हैं आदिवासी हैं ये हमारे जयपाल भाई बता रहे हैं क्या कंवर हैं कि भुंजिया हैं लोग कमार अच्छा तो ये अभी तक मतलब हम लोग एकदम इंटीरियर या एकदम कोर जंगल में नहीं घुसे हैं आसपास में यहाँ है रहने के लिए तो घना है जंगल ही बट आसपास में यहाँ लोग रहते हैं आप बने रहिए आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है मे भी दो या तीन एपिसोड हो सकते हैं चांसेस है क्योंकि नाइट वहाँ रुकेंगे हम लोग और अगर दो तीन एपिसोड होगा तो भी मज़ेदार है नहीं होता है तो वीडियो तो मज़ेदार बनने ही वाला है एक और रिवर क्रॉस हम लोग कर रहे हैं अभी काफ़ी मज़ेदार है और ये अजीब से बांस के जंगल से होकर के गुजर रहे हैं ये देख सकते हैं आप बांस के जंगलों के बीच से होकर के गुजरना बांस नहीं सॉरी बेसरम बरगंडा हाँ ऐसा छोटा छोटा रिवर क्रॉसिंग मिलेगा ना बाबा तो मज़ा आ जाएगा मज़ा आ जाएगा और ये रास्ता तो रहेगा चालू हो गया बाबा मज़ा वाला वीडियो अरे माँ कसम उतरो बैठे रहे दरअसल में दोस्तों मैं क्या है ना बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ये मैं तीसरा गियर में कर रहा था उस काम को जिसको मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड गियर में करना था इस कारण से ऐसा हुआ और यहाँ से देखने से तो पता चलता ही नहीं है समझे बाबा तीसरा गियर में था मैं हाँ बस अब कहीं भी रुकेंगे तो जूता पहनूंगा फिर गीला हो गया पैर अब हमारा मेन रोड वाला जो सफ़र था मतलब जहां आप देख रहे थे कि सड़क जैसा दिख रहा था वो भी ख़त्म हो गया है अब ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट के अंदर हैं हम लोग और ये पगडंडी है और बता रहे हैं आगे मे भी रिवर में पानी होगा और अगर पानी होगा रिवर में तो उसको क्रॉस करना थोड़ा सा और मशक्क़त करना पड़ सकता है देखते हैं यहाँ तो हमारा सेकेंड पार्टी पहुँच गया अरे वाह क्या बात है ऑफ रोडिंग आपने सुना होगा मैं अपने कई वीडियो में बोला हूँ इस सफ़र के दरमियान गरिया बन के लेकिन यहाँ ऑफ रोडिंग नहीं पहाड़ का रोडिंग हो रहा है ऑफ रोडिंग से भी प्रो है ये यहाँ पे संतोष का गाड़ी फंसा था मुझे डर है कि मेरा गाड़ी भी ना फंस जाए और ये डर सही निकला फर्स्ट में हूँ इस बार तो ढकेल तो थोड़ा
फंस गया ना। जय श्री राम। आजा आजा आजा, हो गया, छोड़ दे। वाह, हल्क सह जनाब का ला 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 ला, लोकी बाबा है अपना। अरे वो 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 वो। अरे वाह, यहाँ तो हो गया बेड़ा गर्क। टूट गया हमारा सामान। वो टूट गया कि फेंकाई से फेंकाया है शायद। अच्छा सीधा हो गया, ठीक। मैं थोड़ा बड़ा हाथ आगे है ना। ये मैं नीम पार हुई नहीं। तो ओ ठीक करके आएंगे, तब तक मैं हल्का हल्का आगे बढ़ता हूँ। खाली पैर हूँ दोस्तों, और रिस्क है, एकदम अजीब से पथरीले पथरीला जगह है। बाप रे, वहाँ लाइट भी नहीं होगा और मैं इतना फुटेज क्रिएट कर ले रहा हूँ इस साइड में, और साथ ही साथ मेमोरी भी फुल हो रहा है। लेकिन करना तो ज़रूरी है ना दोस्त, आपको दिखाना ज़रूरी है। और फाइनली है कहाँ अपना डेस्टिनेशन, कहाँ है ये देखना ज़रूरी है। ऐसा लगता है ये सब को देख करके कि जो हमारा, अरे लेकिन उन लोग को काफ़ी पैदल चलना पड़ जाएगा। चलो चला देता हूँ, क्योंकि रिवर को क्रॉस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि बैठाता तो बैठा सकता था यहाँ से, मशक्कत है भाई। हमारे काका आ रहे हैं, काका। ओहो, मकोई का जो वो है कांटा, वो चुभ रहा है सब तरफ। ये मेरे दो हाथ है ना, ये दोनों हाथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या बताऊँ दोस्तों आप लोगों को, मोटर व्लॉगिंग का भी मेरे को खासा एक्सपीरियंस है नहीं। आप लोग बस मुझे अप्रिशिएट करते जाइए, मैं आप लोगों को इंटरटेन करते जाऊँगा और प्रयास करूँगा अपना लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाने का। फिलहाल तो अभी का हाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेरे साथियों के लिए मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग को काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन ये छोटे से नाले को ज़रूर क्रॉस कर लूँगा। ये नाला है जो भर जाता है तो पार होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऐसा उनके द्वारा कहना है। इसको तो पार कर ही लेता हूँ। अब वेट करता हूँ यहाँ। तो गाइज अभी हम लोग एक ऐसे लोकेशन में पहुँचे हैं जहाँ पे प्लेन सरफेस एरिया है और इस ओर एक रॉक पहाड़ है जो रिवर क्रॉसिंग है, उसी रिवर क्रॉसिंग के आसपास। और यहाँ पे हमने सोचा क्योंकि उन्हें एक ड्रोन शॉट उड़ाया जाए और आपको दिखाया जाए, तो चलिए आप इन्जॉय कीजिए ड्रोन शॉट का। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सिकासार जो जलाशय है उसी का भाग है, डुबान है। और इसके कहीं किनारे से ऊपर से होकर के जाना है एक बार। नहीं नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं नहीं यहीं से हो जाए। तो इस साइड से जाना है हम लोगों को। यहाँ उतरना पड़ेगा। ये रास्ता हम खुद बना रहे हैं और सामने का पहाड़, वाह, ये छत्तीसगढ़ है मेरी जान। देख सकते हैं काफी खूबसूरत पहाड़, लवली। पता नहीं गोपरों में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जो सामने पहाड़ है वो पहाड़ बहुत ही गोल्डन व्यू बोला जा सकता है। देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। बैठे रहिए। नहीं नहीं,
फिर से एक बार हम लोग सिकासेर डैम के डुबान क्षेत्र में आ गए हैं। अभी तक दो बार सिकासेर डैम से मुलाकात हो चुका है हमारा, और आप देख सकते हैं बताया जा रहा है हमारे जयपाल भाई कि बारिश आज इस साल ज़्यादा नहीं हुआ है, नहीं तो ये पूरा भरा रहता है। पहाड़ आप व्यू का, नज़ारों का लुत्फ लो भाई। हाँ अरे हाँ यार वो देख, हाँ जाना है, ये वो छोटा झरना है उससे आगे बड़ा। अच्छा ये गोपुरों में तो नहीं दिख पात हुई। ओहो यहाँ से पैदल चलेंगे डोंगा सीधा से जाते सात तक। डोंगा नहीं मिलेगा? हाँ डोंगा जुगाड़ो ना उसको। अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, ये हमारा पार्किंग हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा गाड़ी पार्किंग पहुंच गया भाई। यहाँ पर आग भी जल रहा है, मछली खाने के लिए बनाया गया है। अच्छा यहाँ कुछ लोग भी हैं, ट्राइबल। अरे वाह बहुत खूबसूरत है, बांस का कुछ कलाकारी यहाँ पे किया गया है। इसको तो मैं तुरंत तो कर दूंगा। अरे वाह हाँ नमस्कार, सब बढ़िया? सब बढ़िया। काय बनात हो? हाँ ला हूँ टुकनी है, बैगला निकाल हूँ, कहाँ रखा वो सामान मल है, इमान जगह छोड़ दे। हाँ तापमान ही है चरत हो? हाँ नहीं मोड़ जाते नहीं मोड़ आमा मोरा कल गिरे हूँ। हाँ 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 मोड़ के आप मन ये ऊपर ना आमा मोरा क्षेत्र। अच्छा क्या बना रहे हो? सुपा टुकनी, सुपा टुकनी। तो आप मन ओढ़ के भैया? हाँ अच्छा अच्छा इंचे क्या रन है? इंचे क्या? हाँ घर ओढ़ तो पानी वानी जैसे गिर ही था मा अंदर तो आत हुई चिचार नहीं आ जात हुई? इंचे हाँ नहीं के क्या कतेक दिन हो गए इंचे आते वाह गर्मी घनी लहा है। अच्छा अभी ये इच्छा घर का तो घर नहीं बनाए बना रहे घर का है बढ़िया जगह में फर्स्ट क्लास। अरे वाह अच्छा उमन में आओ दो चार घर है का? हां दो तीन घर है, पूरा डुबान हरे ये पूरा डुबान हरे ना तो पानी जैसे ज्यादा आते तो कहां तक यहां तक नहीं आ जात होई? यहां तक क्या थे बरान यहां तक ले छेटू तक क्या जाते पूरा आ जाते? हां पूरा। ओहो तो फिर आगे पीछे करे लागत होई यार। तो दोस्तों आई होप आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड पसंद आया होगा जिसमें हमने कंप्लीट आपको ऑफ रोडिंग करते हुए दिखाया। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये हमारे डेस्टिनेशन में जहां पे हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर दिया है। यहां पे इन लोगों से हमने मुलाकात किया, हमारा सामान रख दिया। लगभग 7 से 8 किलोमीटर अभी लगभग 12:30 बज रहा है और 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, उस ओर है वाटरफॉल और वो वाटरफॉल को हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने और वहाँ से वापस आएँगे और यहाँ नाइट कैंपिंग करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही था। अगर आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से खूबसूरत एपिसोड जब भी हम बनाते रहेंगे, वीडियोज़ बनाते रहेंगे, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। We'll be right back.